हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6:30 और अभी हम लोग आ चुके हैं लाल भाजी हार्वेस्ट करने के लिए। ये देख सकते हैं गाइस, ये फूल गोभी वाला बाड़ी है, इसी में लाल भाजी लगा हुआ है मेड़ मेड़ में, इसी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखो, और लाल भाजी का क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अभी इसको जूरी बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हैं। चलिए गाइस अभी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना सारा लाल भाजी अभी हार्वेस्ट कर पाते हैं। अभी गाइस थोड़ा बहुत लाल भाजी हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये देखो, इधर पूरा मेड़ में रखा हुआ है, अभी भी हार्वेस्टिंग चल ही रहा है। ये बीच वाला एरिया पूरा खाली हो गया, अब इस साइड थोड़ा सा बच गया है और ऊपर साइड। चलो अभी इन सब को गिनती करते हैं, देखते हैं कितना जूरी हार्वेस्ट हुआ है। अभी गाइस लाल भाजी को गिनती करके ले आए हैं टंकी के पास। ये देख सकते हैं इधर रखा हुआ है और इधर भी रखा हुआ है थोड़ा सा लाल भाजी। टोटल अभी 450 जूरी हार्वेस्ट हुआ, 50 जूरी और हार्वेस्ट कर रहे हैं उसके करके 500 जूरी हो जाएगा। और अभी ना मैं जा रहा हूँ, तैयार होऊंगा मार्केट जाने के लिए। इसको धोकर झोला में डालेंगे मम्मी पापा लोग। अभी गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ मार्केट जाने के लिए। और ये देखिए, लाल भाजी को भी झोला में डाल लिए हैं। एक झोला वहाँ पर है, एक झोला यहाँ पर और एक झोला वहाँ पे है, थोड़ा सा मतलब 3 झोला बन चुका है। चलिए अब इसको गाड़ी में लोड कर लेते हैं। अभी गाइस गाड़ी को लोड कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लोड किए हैं, 3 झोला बन गए हैं और टोटल 500 जूरी लाल भाजी है। अब चलिए चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या रेट में बिकेगा। अभी गाइस मार्केट पहुंच चुका हूं और आते साथ ही लाल भाजी को दे दिए 250 रुपये सैकड़ा में। अभी बिक चुका है, रिटेल सब्जी मार्केट है, वहां पे रहते हैं दीदी, वही लिए है, दो जने लिए हैं मिलकर 250। ये देखो ढक दिया है, अभी इसको छोड़ कर आएंगे। और आज ना लास्ट साइड आए हैं, देख सकते हैं जो पहले सब्जी रखते थे ये लास्ट एरिया है। एक दिन पहले आया था तो इस साइड कुछ सब्जी नहीं था, लेकिन अभी ना थोड़ा बहुत दिख रहा है उस साइड लाल भाजी वगैरह। इस साइड भी रख देखो रखा हुआ है, गवार फली रखा हुआ है। गवार फली पता नहीं क्या रेट में बिका है, 60-70 रुपये किलो हो गए। इस साइड को देखो, बीच खाली है पूरा। रेट थोड़ा सा डाउन हो गया यार, 250 रुपये सैकड़ा में ही बिका आज, वरना पिछले बार आया था 300 रुपये, 320-330 रुपये बिका था, आज 250 रुपये में बिका है। चलिए अभी इसको छोड़ कर आते हैं रिटेल मार्केट। अभी का इस भाजी को लेकर रिटेल मार्केट के पास आ चुके हैं। ये भैया इनके यहाँ की दीदी ली है और ये दुकान है, इसी पे खाली करना है अभी ये पट्टी पे। ये देखो झोला रखा हुआ है, दोनों झोला और एक झोला थोड़ा दूसरा दुकान में जाएगा। ये देखो ये रिटेल मार्केट है, उस साइड भी सब्जियां लगता था लेकिन अभी ना इस साइड दुर्गा बैठा है, पंडाल था तो नहीं लग रहा है, देख सकते हैं उस साइड खाली है। चलो अभी इसकी गिनती करके यहाँ पे डाल देते हैं, 250 जूरी गिनती करना है यहाँ पे। अभी गाइस लाल भाजी को खाली कर दिए हैं। ये देखो 250 जूरी को यहाँ पे खाली किए हैं, ये वाला दुकान में इसकी मम्मी ली है दीदी। इधर देखो ये सबसे लास्ट एरिया है, इस साइड सब्जी नहीं लगता था लेकिन अभी दुर्गा पंडाल बना हुआ है ना, इसलिए इस साइड सब्जियां लग रहा है दुकान सब्जियों का। ये देख सकते हैं ये सबसे लास्ट छोर है। चलो अभी चलते हैं मार्केट साइड, पैसा मार्केट साइड ही लेंगे दीदी लोगों के पास। अभी गाइस फिर से आ चुका हूँ मार्केट के पास, जहाँ पे सब्जी को रखे थे। वो देखो गाइस जो
XL 100 दिख रहा है, उसके आगे में सब्जी को रखे थे जहाँ पे अभी पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि आजकल सब्जी जल्दी बिक जा रहा है यार, सब्जी का मार है। ये देख सकते हैं पूरा खाली है। और इस साइड भी देखो लाल भाजी रखा हुआ है, ये चाचा का है, ये 270 रुपये सैकड़ा में दिए हैं शायद, कन्फर्म है कि नहीं 270 रुपये में दिए हैं क्या। और अभी ना एक दीदी से पैसा ले लिया हूँ, ये देखो आते साथ बाइक में था तो ही मिल गया, वो वहीं पे मिल गई ना रोड में, तो ले लिया। 625 रुपये हो रहा है 250 जूरी का, जिसमें से अभी 600 रुपये दी है, 20 रुपये को दुकान में जाते समय ले लूँगा। और एक दीदी से अभी और पैसा लेना बाकी, जिसको लेंगे। यहाँ पे देखो गाइस बरबट्टी आया हुआ है मस्त ग्रीन कलर का, भांजे लाया, क्या रेट में दिए हो भांजे बरबट्टी को? 35 रुपये किलो, ये 35 रुपये किलो में भी कहे, देख सकते हैं बरबट्टी काफी अच्छा है। और ये मूली भी काफी अच्छा लग रहा है, ये क्या रेट में बिक रहा है? 25 रुपये, ये 25 रुपये किलो, ये 35 रुपये। कुछ इसी प्रकार से सब्जियों का रेट चल रहा है गाइस, थोड़ा सा अभी इसका भी रेट डाउन हो गया है। मूली 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा था और बरबट्टी 40 से 45 रुपये किलो बिक रहा था, वो 35 रुपये तक बिका है, और मूली 25 रुपये। कल और ज़्यादा डाउन था, कल एकदम ही ज़्यादा मार्केट डाउन था बता रहे थे। ऐसी सब्जियों का रेट चल रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे क्वालिटी वाइज रेट है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके सब्जियों का रेट कम होते जा रहा है, दो दो चार चार रुपये करके। चलिए एक बार अब शुरुआत एरिया साइड चलते हैं, उस साइड देखते हैं क्या क्या सब्जियां रखा हुआ है। अभी आ चुके हैं शुरुआत एरिया साइड, इस साइड देखो थोड़ा बहुत सब्जियां रखा हुआ है, धनिया भिंडी, और आगे में थोड़ा बहुत लाल भाजी और मूली वगैरह दिख रहा है। ये देख सकते हैं इस साइड भी सब्जियां नहीं रखा है, सुबह था यार सब्जियां, अब थोड़ा लेट हो चुका है। ये देखो मूली रखा हुआ है, बाकी साइड तो कुछ ज़्यादा सब्जी दिख नहीं रहा है, ऐसे ही खाली हो चुका है। आजकल ना सुबह ही ज़्यादा रहता है सब्जी, उसके बाद थोड़ा लेट होता है, 10, 10:30, 11 बज जाते हैं ना, उसके बाद पूरा सब्जी बिक जाता है, क्योंकि सब्जियां नहीं आ रहा है, व्यापारी लोग ज़्यादा रहते हैं तो जल्दी सब्जी बिक जाता है और रेट में भी ठीक ठाक बिकता है। देख सकते हैं इस साइड भी पूरा सब्जियां लगा रहता था, ये शुरुआत एरिया ही है, लेकिन इस साइड भी पूरा खाली हो चुका है, सब बिक बिक गए हैं। और बगल में देखो धनिया आ गए, क्या रेट बेचा था भैया धनिया? 140 रुपये किलो, देख सकते हैं धनिया क्वालिटी 140 रुपये किलो बोल रहे। ये भैया व्यापारी 80 रुपये किलो मांग रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त है आप इसी का। सौ रुपये किलो मांग रहे हैं धनिया को, देसी धनिया है इसीलिए थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है यार एकदम, तो देसी देसी धनिया है एकदम ग्रीन कलर, देसी धनिया है इसीलिए उस धनिया से थोड़ा सा रेट ज़्यादा बिक रहा है। 130 पड़ी है वाजिब, वाजिब कम नहीं लगा पैसा धनिया के? 130 रुपये किलो बोल रहे हैं ये भैया, व्यापारी लोग सब 100 रुपये 110 रुपये तक मांग रहे हैं। ये भाई 120 रुपये किलो मांग रहे हैं, वो लूट मार हो गया गाइस, देख सकते हैं एक ग्राहक लिया उसके बाद सब काटने लग गए हैं। ये देखो 130 रुपए किलो में दे रहे हैं, धनिया का क्वालिटी एकदम जबरदस्त है, देसी लोकल धनिया। देखो सब पब्लिक सब छटनी कर रहे हैं अपने लिए 130 रुपए में, देसी धनिया इसीलिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और ऐसा दुकान में ना 110-120 में मिल जा रहा है, सब 110-120। तो यही है गाइस आज का मार्केट, देख सकते हैं ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं बचा है, लेट हो गया है इसीलिए अब मैं भी जा रहा हूँ घर, कितने का सेल किया हूँ या घर जाके बताता हूँ। अभी गाइस मैं मार्केट से आ चुका हूँ, और आज के मार्केट की बात करें ना तो आज का मार्केट भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा रेट डाउन हो चुका है। मैं परसों लेकर गया था एक दिन पहले इससे, तो उस दिन ठीक ठाक रेट बिक रहा था 300-330 रुपये, उसके बाद कल ना एकदम रेट डाउन हो गया था, करके बता रहे थे 150-200 रुपये सैकड़ा हो गया था बता रहे थे, और आज थोड़ा ठीक चला 250 रुपये सैकड़ा में बिका। अब धीरे धीरे सब्जियां ज़्यादा जाते जा रहा है तो थोड़ा बहुत रेट कम होते जा रहा है, लाल भाजी सब लोग ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि लाल भाजी जल्दी तैयार हो जाता है 20-25 दिन में, अब नर्सरी नहीं है वो लोग क्या करेंगे, नर्सरी के होते तक लाल भाजी ही लगाते हैं, इसीलिए लाल भाजी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। चलिए गाइस अभी सेलिंग कितने का किए हैं उसको बता देता हूँ। सो लाल भाजी था टोटल अपना
500 जोड़ी, अब 250 रुपये सैकड़ा में वो बन रहा है 1250 रुपये का, जिसमें से 1240 रुपये मान के चलो अपने को मिला, क्योंकि 250 जोड़ी लिए थे तो 625 रुपये का बन रहा था, 55 रुपये तो देते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, आज की वीडियो को यही पेंट करते हैं। ऐसा लगा आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते हैं।